चलिए बढ़ते हैं आगे बात। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक और अहम फैसले की, और फैसला अहम इसलिए अपने आप में चूंकि इस तरह का इकदाम काफी वक्त के बाद शहर श्रीनगर के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर सरकारी जमीन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को मुंतकल करने का फैसला इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। और पंथा चौक के अंदर 25 कनाल जमीन पर अब यात्री निवास के साथ साथ जो दफ्तर है वो यहां पर कायम किया जाएगा। बगैर प्रीमियम के 10 रुपए किराया सालाना जो है वो देना होगा, अदा करना होगा मुतल्लिकीन को, और 40 साल तक लीज पर, यानी जो कुल मुद्दत रहेगी जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से 40 साल तक जमीन श्राइन बोर्ड के पास रहेगी। और इस एग्रीमेंट पर हतमी जो फैसला है वो इंतजामिया को जब लेना है तो जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर का भी अहम फैसला, उनकी अहम भूमिका रहने वाली है इस फैसले। यानी कई लगभग 1.5-2 साल पहले से ये मामला जो था वो जेर इल्तवा में पड़ा हुआ था, समाज चल रही थी, और फिर आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग 14 अगस्त को ली थी उसी दौरान ये फैसला हुआ था कि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर श्राइन बोर्ड है इसके लिए बाजाबता तौर पर दफ्तर और दीगर चीज़ें बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, अलाटमेंट होनी चाहिए, और उसी वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हिदायत दे दी गई थी कि शहर के अंदर अलाटमेंट जो है वो करवाई जाए। उसके बाद खबर यह है कि 25 कनाल जमीन जो पंथा चौक के अंदर थी और जिस पर एसडीए का कब्जा था, यानी एसडीए की मिल्कियत वो थी, उसके बाद रेवेन्यू पेपर्स को तब्दील करके वो ट्रांसफर कर दी गई रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अब बाजाबता तौर पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जो है वो एमओयू साइन करेंगे श्री माता जो एसएएसबी हमारा श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, उनके साथ एक बाजाबता तौर पर एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट के खदुखाल को जब आप देखेंगे तो उसमें वहां पर दफ्तर बनाना है, दफ्तर के साथ साथ जो है वो कुछ बुनियादी ढांचा खड़ा करना है, और उसी के लिए ये जमीन जो है वो दी जाएगी, और 40 साल के लिए जो है ये पीरियड जो है वो लीज पर कर दिया गया है, और 10 रुपया पर कनाल जो है सालाना इसको प्रीमियम ये जो है फीस या आप इसको बोलिए किराया अदा करना होगा, कोई भी प्रीमियम जो है वो नहीं देना होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सिविल सेक्रेटरी की तरफ से कल बाजाबता तौर पर ये ऑर्डर दे दिया गया है, और अब श्राइन बोर्ड का बाजाबता तौर पर पता होगा जी पंथा चौक बहुत जल्द वहां पर भी काम शुरू किया जाएगा।